नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। तो Xiaomi ने रिसेंटली MIUI 11 अपडेट जो है वो स्टार्ट कर दिया है रोल आउट करना अपने Redmi डिवाइसेस के लिए इंडिया में। MIUI 11 में बहुत सारे फीचर्स हैं और इसके बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो भी की है। एक जो की न्यू फीचर है MIUI 11 में है वो है Mi Share। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo इन सब कंपनीज़ ने एक दो महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं एक कॉमन फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल पे, और Xiaomi जो है वो इस प्रोटोकॉल को बुला रहा है Mi Share। Realme हो सकता है इसे Realme Share बुलाए, Vivo हो सकता है इसे Vivo Share बुलाए, लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि ये जो फीचर है ये किसी भी कंपैटिबल फ़ोन के साथ चलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक Redmi का फ़ोन है तो आप Mi Share यूज़ करके एक Realme फ़ोन में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। वैसे तो आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है और उतनी कन्वीनियंट नहीं है। तो Mi Share और जो भी Realme, Vivo, Oppo अपने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस को बुलाते हैं, इसके थ्रू बेसिकली ये सब कंपनीज एयरड्रॉप जो आईफोन में आपको मिलता है उसकी फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहा है। इसमें क्या है कि जब भी आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करने की ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर मेन्यू में जो भी आसपास कंपैटिबल डिवाइसेस हैं वो दिखा दी जाएगी और आप फिर उसे सेलेक्ट करके इजीली फाइल भेज सकते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं अपने Redmi K20 Pro से Redmi Note 7 Pro में एक फाइल भेजने का ट्राई करता हूँ तो सपोज़ मैं ये 2 GB का जो फाइल है इसे भेजने का ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंड आइटम्स टू, इसमें जो मेरी Redmi Note 7 Pro है वो दिखाई दे रही है ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों ही फ़ोन्स को पहले ब्लूटूथ से पेयर नहीं किया है, यहाँ तक कि दोनों में डिफरेंट गूगल अकाउंट्स में भी लॉग इन हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही Redmi Note 7 Pro की डिस्प्ले टाइम आउट हुई वो Mi Share के लिस्ट से हट गया है। तो बेसिकली Mi Share से आप कन्वीनियंटली एक एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये आपका Oppo, Realme, Vivo और Xiaomi के फ़ोन्स में मिलेगा आपको। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है जैसे सैमसंग का, तो आपका सैमसंग डिवाइस इस लिस्ट में नहीं दिखाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फीचर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि Mi Share जो है वो इनेबल्ड है। इसके लिए सेटिंग्स में जाइएगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाइएगा, Mi Share होगा, यहाँ पे जाके देखिएगा कि Mi Share जो है ये इनेबल्ड हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे आप चाहें तो डिवाइस का जो नेम है उसे चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि Mi Share जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए जब जब आप वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये भी दिखा रहा है कि Mi Share की जो सपोर्टेड डिवाइसेस है वो इंक्लूड करते हैं फ़ोन्स फ्रॉम Xiaomi, Vivo, Realme और Oppo। आप ये मेक श्योर करिएगा कि जिस फ़ोन से आप फाइल भेज रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ जो दूसरी एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें आप फाइल भेजना चाहते हैं उसमें भी Mi Share इनेबल्ड हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे Redmi Note 7 Pro में भी Mi Share फीचर इनेबल्ड है। और जैसा कि इस ऑप्शन से आपको समझ में आता है, ये मेक श्योर करेगा कि आपके फ़ोन में वाईफाई और ब्लूटूथ इनेबल्ड हो, क्योंकि तभी Mi Share काम करेगा, अदरवाइज Mi Share काम नहीं करेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि Mi Share से फाइल कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और एक 2 GB की रोम फाइल है वो मैं अपने Redmi Note 7 Pro में ट्रांसफ़र करता हूँ। ये मेक श्योर करेगा कि ट्रांसफ़र प्रोसेस के टाइम पे आपका जो दूसरा फ़ोन है वो उसकी डिस्प्ले ऑन हो। तो यहाँ पे मेरा Redmi Note 7 Pro जो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले ऑन है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शेयर मेन्यू में दिखा रहा है। अब मैं इसे टैप करता हूँ और फिर कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro में एक नोटिफिकेशन आया Mi Share का कि Redmi K20 Pro से मुझे एक फाइल मिल रहा है जो मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और दैट्स इट। जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। आप ट्रांसफ़र प्रोसेस की स्टेटस देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेट से। आप देख रहे हैं कि Mi Share से यहाँ पे एक फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे Redmi Note 7 Pro में। अब डिसअपॉइंटिंग बात ये है यहाँ पे कि जो Mi Share से आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आपका वाईफाई के ऊपर नहीं हो रहा, ये आपका ब्लूटूथ के ऊपर ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही स्लो है। यहाँ पर मैं एक 2.3 GB की रोम फाइल ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहा हूँ Redmi K20 Pro से Redmi Note 7 Pro में, और अभी तक सिर्फ 8% फाइल ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब 2 GB फाइल ट्रांसफ़र करने में तो आराम से 15-20 मिनट या शायद ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाए, विच इज़ नॉट फीजिबल। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि Oppo, Realme, Vivo और Xiaomi ने मिलके एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे काम किया है, लेकिन उन्होंने स्टिल ब्लूटूथ ही यूज़ किया है, ना कि वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र के लिए। आईफोन में जो आपको एयरड्रॉप फीचर मिलता है वो वाईफाई यूज़ करता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, और इसी वजह से आप एयरड्रॉप के थ्रू लार्ज फाइल्स 2-3 GB, 10 GB की फाइल को भी बस कुछ सेकंड्स में दूसरे आईफोन या यहाँ तक कि एक मैक में भी भेज सकते हैं। इस फाइल प्रोसेस को, तो इस फाइल ट्रांसफर करने को तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी मैं एक इमेज सेंड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं अपने Redmi Note 7 Pro से दो इमेजेस को सेंड करता हूँ अपने Redmi K20 Pro में। जैसे ही मैंने डिवाइस का नेम टैप किया है, ऑटोमेटिकली जो सेंड रिक्वेस्ट है वो Redmi K20 Pro में चला जाता है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने दो इमेजेस सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 करके लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे जो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट करना होगा फाइल ट्रांसफर स्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने क्योंकि इमेजेस को ट्रांसफ़र किया है तो पूरी प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो गई। दोनों फाइल्स कुछ केबी की ही थी, ज़्यादा कुछ बड़ी फाइल नहीं थी और इसी वजह से कुछ सेकंड में ही ट्रांसफ़र हो गए। बेसिकली अगर आप इमेजेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस ठीक है, वीडियोज़ या कोई बड़ी फाइल के लिए तो ये प्रोसेस एकदम रिकमेंडेड नहीं है। मी शेयर जो है ये बेसिकली कुछ इमेजेस और शॉर्ट वीडियोज़ भेजने के लिए ठीक है। आप इससे अगर लार्ज फाइल्स या वीडियोज़ भेजेंगे तो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसे बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं अपने Redmi Note 7 Pro से एक 2 GB की वीडियो फाइल को भेजता हूँ अपने Redmi K20 Pro में। ट्रांसफ़र प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे बहुत टाइम लग रहा है। 2 GB का फाइल है, लेकिन जिस पेज पे ये ट्रांसफ़र चल रहा है इसे आराम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, जो कि काफ़ी स्लो है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यूज़ करेंगे प्ले स्टोर से तो ये प्रोसेस एक्चुअली ज़्यादा जल्दी होगा। हाँ, हो सकता है वो प्रोसेस उतना कन्वीनियंट ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना स्लो भी नहीं होगा। एनीवेज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। फ्रैंकली मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मी शेयर से। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फाइल्स को वाईफाई के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बेसिकली लार्ज फाइल्स भेजने के लिए तो एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ होप ही कर सकते हैं यहाँ पे कि Oppo, Xiaomi, Realme और Vivo मिलके इस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करें और एक्चुअली वाईफाई यूज़ करें फाइल ट्रांसफ़र के लिए। एनीवेज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।